इतना ज्यादा कोई खास नहीं लग रहा। तो आप सोचो जब आप इसको विंटर्स में यूज करोगी इस तरह के प्रोडक्ट को लगाने का क्या ही सेंस बनता है। ऑयली स्किन वाले हैं आप एंड आपको फेक ग्लो नहीं चाहिए। हाय एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉक्सटेल के सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। या गाइस, ये इनका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। ये काफी दिन पहले लॉन्च हो गया था, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं, बट है नया ही, पुराना नहीं है। सो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। इसको मैंने खुद ही परचेज करा है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है गाइस। सो इन्होंने मेंशन करा है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करते हैं। सो कुछ इस तरह से आउटर पैकेजिंग में आता है। ये इनका इन दी लाइम लाइट सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर है। इसमें विटामिन सी है, नायासिनेमाइड है एंड पेप्टाइड्स है। ऑल्सो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए इन्होंने मेंशन करा है, बट ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए नहीं है। ये 50 ml का प्रोडक्ट है। इसका MRP 445 rupees मिल जाता है एंड इसका शेल्फ लाइफ भी 2 years का है। सो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग है। नाउ इनर पैकेजिंग की बात करें, सो कुछ इस तरह से आपको ये पंप बॉटल में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इनके सारे ही मॉइस्चराइजर्स एंड इनके सनस्क्रीन्स आते हैं, उसी तरह से ये स्लीक बॉटल आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरह से ये पंप फॉर्म में, जिसको आप पास से देख सकते हो, इस पर भी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। इनकेस आपकी आउटर पैकेजिंग गुम हो जाती है तो सारा कुछ, जो शेल्फ लाइफ वगैरह है, वो सब कुछ इस पर मेंशन किया हुआ है। सो ये तो हुई पैकेजिंग की बात। पैकेजिंग काफी अच्छी है, मुझे अच्छी भी लगी है। अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है। That is how it looks like. Runny consistency नहीं है, creamy texture है and जब मैं इसको blend करती हूँ तो कुछ इस तरह से ही आपको दिख रहा होगा कि ये highlighter वाला effect देता है। That is how it looks like. आप पास से देख सकते हो। So इसमें ना इन्होंने strobe cream जैसा effect दिया है, जैसे कि आप एक strobe cream आपने अगर कभी use करी हो, so उसमें highlighting factor होता है ना, इससे highlighting effect देता है। जैसे कि आप apply करते हो तो golden या pinkish shimmer जैसा आपको दिखाई देता है। इसमें उतना ज्यादा golden particles वगैरह नहीं है, but इसमें इन्होंने strobe क्रीम वाला इफेक्ट दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से है। सो जैसे ही आप इसको ब्लेंड करते हो तो गोल्डन पार्टिकल्स दिखते नहीं है, बट वो काफी ज्यादा फाइनली मिल्ड इन्होंने इसमें मिक्स किए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शिमर टाइप का इसमें दिखाई देता है जब आप इसको अप्लाई करते हो, तो इससे जो ग्लो आता है वो नेचुरल ग्लो नहीं आता है, वो इसमें शिमर होने की वजह से या जो भी स्ट्रोब क्रीम वाला इफेक्ट इन्होंने दिया है उसकी वजह से इसमें ग्लो आता है। आप देख सकते हो, एक मॉइस्चराइजर लगाकर जो ग्लो आता है, जैसे अभी मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो ग्लो है वो नेचुरल ग्लो है, मतलब वो मॉइस्चराइजर की वजह से जो ग्लो आ रहा है वो है। बट इसमें जो ग्लो ऐड होता है ना, वो आपको शिमरी ग्लो देखने के लिए मिलता है, गोल्डन काइंड ऑफ अ ग्लो है। और अभी बात करते हैं कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है या नहीं। तो गाइस, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगता है मुझे। मतलब अगर मैं समर्स में यूज कर रही हूँ तो मुझे उतना ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लग रहा है। तो आप सोचो जब आप इसको विंटर्स में यूज करोगे तो ड्राई स्किन वालों की स्किन को तो ये और भी ज्यादा ड्राई बना देगा। तो मुझे उतना ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगा है, बट बेकार नहीं लगा है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोडक्ट खराब है, बट नॉर्मल मॉइस्चराइजर से डिफरेंट है। एंड वो जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो हाइड्रेशन देते हैं, बट ये जो मॉइस्चराइजर है ये फेक ग्लो देता है एंड उतना ज्यादा हाइड्रेटिंग भी नहीं लगा है मुझे। हो सकता है ऑयली स्किन वालों को हाइड्रेटिंग लगे, बट मुझे नहीं लगा है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। समर्स में कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन के बीच में बिहेव करती है, बट फिर भी मुझे उतना ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगा है। मुझे थोड़ी प्लम्प स्किन पसंद है, तो इसको लगाने के बाद प्लम्प फील नहीं होता मेरी स्किन। एक्वालॉजिका के काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी ही क्वांटिटी में अप्लाई करने पर काफी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करा देते हैं, बट इसको मैं काफी ज्यादा भी लगाती हूँ ना तो भी उतना ज्यादा हाइड्रेशन मुझे लगता नहीं है। सो मेरी ड्राई स्किन है इसलिए ये मेरी स्किन के लिए तो उतना अच्छा काम नहीं करा है। एंड इसका जो ग्लो है वो भी फेक ग्लो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रोडक्ट को लगाने का क्या ही सेंस बनता है। एंड जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है, जैसे विटामिन सी है, नायासिनेमाइड है, पेप्टाइड्स हैं, तो ये सारे तो आपको नॉर्मल मॉइस्चराइजर में भी आजकल मिल जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डालकर काफी अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स को लॉन्च कर रहे हैं। इवन मैं डॉट एंड की के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, वो भी काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है, बट फॉक्सटेल का ये जो मॉइस्चराइजर है मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। एंड वैसे तो ये आपको अफोर्डेबल मिल जाता है, इनकी सेल आती रहती है, बट अगर आप मुझसे
पूछोगे तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। एंड अगर ऑयली स्किन वाले हैं आप एंड आपको फेक ग्लो नहीं चाहिए सो इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ग्लो है वो नेचुरल नहीं है एंड शिमरी पार्टिकल टाइप से है इसमें, तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। एंड गाइस ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें स्ट्रोब क्रीम वाला इफेक्ट चाहिए होगा तो हम स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे, कोई मॉइस्चराइजर नहीं। एंड इन्होंने मेंशन कराया है कि आप इसको डेली यूज कर सकते हो, तो डेली ही स्ट्रोब क्रीम जैसा मॉइस्चराइजर लगाना किसको पसंद होता है। अगर हमें स्ट्रोब क्रीम वाला इफेक्ट चाहिए होगा तो हम स्ट्रोब क्रीम खरीद लेंगे, क्योंकि आजकल जो स्ट्रोब क्रीम्स आते हैं वो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं, मॉइस्चराइजिंग होते हैं, तो हम डायरेक्ट उनको ही यूज कर सकते हैं। इसको लगाने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर होते हैं ना, आप इंजॉय करते हो उसको, फील करते हो, लगाते हो तो आपको हाइड्रेशन भी फील होता है एंड उसके बाद आपकी स्किन में काफी ज्यादा प्लम्प लगती है एंड आप इंजॉय करते हो उस प्रोडक्ट को, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट उस तरह से। सो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी एंड मैं इस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रही हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने फॉक्सटेल के सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करा एंड मुझे वो काफी पसंद भी आए थे, वो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग भी थे, इतना ज्यादा कोई खास नहीं लगा मुझे ये प्रोडक्ट, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, इसको उतना अच्छा नहीं लगा है मुझे। सो गाइस दैट्स ऑल, इस प्रोडक्ट के लिए मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।